हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा कि जीएसटी क्या है, कितना परसेंट अप्लाई होता है, टैली में इसे कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या मेथड है, ये पूरी बात बताऊंगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जीएसटी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम को और इसी के अंदर आज हम पूरी की पूरी जीएसटी सीखेंगे, यानी जो भी जीएसटी के टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन यहाँ पे कर लिया है हमने। अब यहाँ पर हमें एक कंपनी बनाने की जरूरत है। आपके पास हो सकता है कि जहां काम करने जाएंगे वहां पर पहले से कंपनी बनी हो तो भी आपको यही काम करना है, ठीक है। लेकिन मैं शुरुआत से सिखा रहा हूं ताकि सारी चीजें क्लियर होती चले। यहां से क्रिएट कंपनी पे जाना, ये आपको क्रिएट कंपनी दिखाई दे रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा, आ जाएंगे सीधा कहां, क्रिएट कंपनी पर। अब ये फॉर्म खुलता है तो इस फॉर्म को भरना है। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं माई न्यू कंपनी, ठीक है, माई न्यू कंपनी। तो ये हो गया, अब एंटर करेंगे। यहां पर आएगा आपका एड्रेस, तो यहां पर मैं एड्रेस डाल देता हूं इस कंपनी का, ठीक है। एंटर करेंगे। यहां पर कई बार बच्चे स्टेट छोड़ देते हैं तो स्टेट डालना कंपलसरी है, ये याद रखिएगा, अदरवाइज आप कोई भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके लोकल एरिया का पिन कोड आएगा जहाँ की आपकी कंपनी है, फोन नंबर वगैरह सब डालते हुए एंटर करते हुए इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। अब जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब ये न्यू विंडो आपको दिखाई पड़ रही है तो हमें यहाँ पर सीधा कहाँ आ जाना है, सीधा आ जाना है यहाँ पर, ये देखिए टैक्सेशन वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आ जाना है और यहां पर इसको यस कर देना है या वाई प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये यस हो जाएगा। अब यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल आएगा, यहां उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है और आप देख लीजिएगा कि ये तीनों में से कौन सा रजिस्ट्रेशन टाइप है आपका, ठीक है। क्योंकि रेगुलर वो होते हैं जो रेगुलर जीएसटी हर महीने फाइल करते हैं और कंपोजिशन डीलर वो डीलर होते हैं जो हर तीन महीने पे जीएसटी फाइल करते हैं और यहाँ पे एक सेल्स का ऑप्शन दिया गया, तो जो भी टाइप है वो टाइप रख लीजिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर एसीज ऑफ अदर टेरिटरी को आपको नो ही रखना है। बाकी यहाँ पर अब आपका आएगा क्या, जीएसटीआईएन नंबर, तो यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर डालते हुए आगे बढ़िएगा। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कर सकते हैं, एंटर करिएगा और यहाँ पे प्लेस डाल सकते हैं एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, फिर एंटर लास्ट तक आपको करते जाना है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आप गलती कर जाएंगे अगर यही पर आप यस करके ये सेकेंड वाले ऑप्शन जो कि दिया गया स्टेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट डिटेल्स, अगर इसको यस नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो जरूरी है कि इसको भी यस कर लीजिए, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसी को एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं और यहां पर जब एंट्री पास करते हैं तो वहां पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। जैसे यहां से बाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर लेते हैं और यहाँ परचेज में चले जाते हैं और यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया बिल नंबर डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, अल्ट सी करके लेजर बना लेते हैं जो क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सप्लायर पार्टी का लेजर मैं बना देता हूं तो ये हो गया सप्लायर, ठीक है, सप्लायर वन कर देते हैं, एंटर करते हैं। इसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर पार्टी का ग्रुप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। एंटर करके इसको यस रख के एंटर करते हुए इसको भी आप एक्सेप्ट करा लीजिएगा, जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये विंडो आएगी, तो एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कराइएगा और यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर परचेज का लेजर आएगा। ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, परचेज अकाउंट करिएगा, एंटर करिएगा, पी प्रेस करके ग्रुप रखिएगा परचेज अकाउंट, ठीक है। ये परचेज अकाउंट कर लिया, बाकी एंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर आएंगे तो अब स्टॉक आइटम बनाना है, तो हम वाउचर में ही रहते हुए स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं, तो अल्ट सी करके यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर राइस कर देता हूँ या कुछ और कर देते हैं, टाटा संपन्न दाल, ठीक है, ये लिख दिया हमने, एंटर किया। अब बिकेगा दाल तो किलो में बिकेगा, तो यहाँ क्रिएट पे जाके केजी कर दीजिएगा, एंटर करिएगा, इसका फॉर्मल नेम पड़ेगा किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम, एंटर करिएगा, यहाँ पे के प्रेस कीजिएगा किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ थ्री कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट चाहे तो बना सकते हैं लेकिन ये वीडियो अल्टरनेट यूनिट के लिए है ही नहीं, ठीक है। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट आप करवा सकते हैं, तो ये एक्सेप्ट करवा लिया। अब एक्सेप्ट करवाएंगे तो क्या होगा, अब मान लीजिए 100 किलो जो है दाल परचेज कर रहे हैं आप, तो परचेजिंग रेट क्या पड़ रही है, परचेजिंग रेट पड़ रही है 130 रुपए किलो, तो बेचेंगे तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स बनाते हैं, तो जीएसटी के लेजर्स कैसे बनेंगे, ऑल्ट सी करके बनेंगे, तो यहाँ सी जीएसटी क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो सी जीएसटी, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप रहेगा तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप हो गया, यहाँ जीएसटी आ गया,
और यहीं पे प्रॉब्लम होगी आपको। देखिए यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग आप कर देंगे, एंटर करेंगे उसको एक्सेप्ट कराएंगे, यहाँ जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, अब आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने वो गलती कर दिया है जब आपने एक्टिवेट किया था तभी का गलती है ये। ठीक है, तो यहां से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा, ईएससी का बटन होता है उसको प्रेस करके, और F11 शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा। जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो यहां पर इसको यस करना है, अगर आपने इसको यस नहीं किया तो जीएसटी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर आप डिटेल को स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो स्पेसिफाई हम कर लेते हैं। यहां पर आपके 8 अंकों का HSN कोड आएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया ये 8 अंकों का HSN कोड, एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, हम करेंट डेट से या कंप्यूटर की डेट से ही इसको लागू करेंगे। तो यहाँ पे ये डेट आ गया है, एंटर करेंगे, करेंट डेट ऑफ कंपनी से लागू करेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे और इसको टैक्सेबल रखते हुए इस पर 12% का जीएसटी लगा देते हैं। ठीक है, और इसको करेंट डेट से लागू कर देंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट भी आप देख सकते हैं, और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स करेंगे यहाँ पे एंटर करके, और यहां पर इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब देखिए, अब आपका जीएसटी 100% कैलकुलेट होगा, बिल्कुल कैलकुलेट होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आपको देना है, तो ये दे दिया, एंटर किया, यहाँ पे सप्लायर का लेजर आएगा, एंटर करते हुए इसको कराइएगा एक्सेप्ट, एंटर करिए और यहाँ पर आइएगा, तो टाटा संपन्न दाल था तो यहाँ पे ले लिया, 100 किलो दाल की बात हो रही है, खरीद रेट 130 रुपए, ये डाल दिया और एंटर किया, तो यहाँ पे 13,000 रुपए आ चुके हैं। ठीक है, अब एंटर करते हैं और यहाँ पे जीएसटी लगाते हैं, तो सी जीएसटी लगाया, देखिए कैलकुलेट हो गया। एसजीएसटी तो बनाया नहीं, तो अल्ट सी करके बना लेंगे एसजीएसटी, और ये बनाते समय ध्यान रखना है कि ग्रुप का सही सिलेक्शन कीजिएगा, यानी यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस करिएगा और यहाँ पे जीएसटी करिएगा, और यहाँ पर क्या करना है आपको, एसजीएसटी कर लेना है, एंटर करिएगा और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करिएगा, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा। अब आप एंटर करके नरेशन डाल सकते हैं, द गुड्स यहाँ पे लिखिएगा, द गुड्स Have been purchased, PURCHASED, चूंकि ये उधार में खरीदा जा रहा है, यहाँ पर सप्लायर पार्टी का नाम आ गया है तो ये उधार हो गया, तो यहाँ पे purchased लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि फिर purchasing किया, लेकिन यही पल्स किसी और पार्टी से परचेज किया, यानी कि ये पार्टी कहीं और की है, हमारी कंपनी कहाँ की है, हमारी कंपनी है यूपी की, लेकिन अगर पार्टी किसी और स्टेट की हो तो ऐसे कंडीशन में, तो यहाँ पर उसने भी एक बिल दिया, किसी और स्टेट की पार्टी है तो यहाँ पे आए अल्ट सी किया और यहाँ पे सप्लायर टू करते हैं, तो ये हो गया सप्लायर टू, एंटर किया और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप हो जाएगा, और ये सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप करते हुए एंटर करेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बजाय चेंज कर देते हैं इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं लाइक सपोज कीजिए पंजाब कर देते हैं, तो ये पंजाब कर दिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराया, तो अभी तो सप्लायर पार्टी का स्टेट चेंज हो चुका है। ठीक है, स्टेट क्यों महत्वपूर्ण है ये समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एंटर करिएगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट का ले जा रहा गया। अब यही पल्स अगर हम लेते हैं टाटा संपन्न वाला, और ये 50 किलो लेते हैं, तो ये 50 किलो हुआ, रेट आ ही गया है, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे अब सीजीएससी नहीं कैलकुलेट होगा, क्यों नहीं होगा, कि स्टेट चेंज हो गया ना, तो स्टेट चेंज हुआ तो यहाँ पे अल्ट सी करके आईजीएसटी बनाइएगा, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस करिएगा, जीएसटी करिएगा, और यहाँ पे आईजीएसटी करके एंटर करके, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, कितना आया, 780 रुपए आया। ठीक है, कितने पे, 50 किलो पे। यही चीज अगर सेम स्टेट का मामला होता और 50 किलो ही लेते तो भी 780 रुपए ही टैक्स कटता, लेकिन दोनों आधा आधा डिवाइड होके कटता, यानी कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों हो जाता है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं, देखिए जरा, एंटर किया और यहाँ पर आए, तो यहाँ पे अगर सीजीएसटी कर देते हैं तो सीजीएसटी तो आएगा नहीं, क्योंकि सप्लायर पार्टी अलग स्टेट का है। तो अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे सप्लायर वन कर देते हैं, सप्लायर वन करके तब एंटर करके इसको जाते हैं और 50 किलो ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए रेट उतना ही आएगा जितना आ रहा था। ठीक है, तो देखिए 50 किलो ही किया है और यहाँ पे सीजीएसटी 390 रुपए आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एसजीएसटी भी आएगा, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के जितना उसमें आ रहा था उतना ही इसमें भी आ रहा है, दोनों को जोड़िएगा तो 780 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं दोनों को जोड़िएगा तो 780 ही आएगा। और यही चीज आपने अगर ऐसे कर दिया होता, सप्लायर टू का लेजर लगा दिया होता, देखिए यहाँ वन के बजाय टू का अगर लेजर आ जाता, एंटर करेंगे और यहाँ टू का लेजर आ जाता सप्लायर टू का, तो ये डिफरेंट स्टेट हो जाता। डिफरेंट स्टेट होने के बाद यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता, आईजीएसटी, तो आईजीएसटी क्या 780 रुपए यहाँ आ गया, तो बात तो बराबर की है। ठीक है, लेकिन वो दोनों लग रहा है और आधा आधा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें दोनों लग रहा है और आधा आधा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करिएगा, इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं आप। तो
चाहे तो ठीक है। अब जब एक्सेप्ट कराएंगे तो ये हो गया एक काम और, ठीक है। अब बात आती है कि हम जब सेल करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, तो यहां पे देखिए वी बटन प्रेस करके आएंगे फिर से, और जब सेल करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे। जैसे सेल्स वाउचर में आ गए, और सेल्स वाउचर में आके क्या करेंगे, अब यहां पर सप्लायर पार्टी का कोई काम नहीं, खरीदने आएगी सामान हमसे, यानी डेटर पार्टी का काम है। तो यहां पर अगर मैं कस्टमर वन लिख देता हूं, कस्टमर है हमारा ये कस्टमर वन, अब इसका ग्रुप क्या जाएगा, सन्ड्री डेटर जाएगा, ठीक है। तो एंटर किया और एंटर करते हुए देखिए सेम स्टेट का है, तो यहां पर भी वही चीज है, एंटर करेंगे तो ये हो गया, एंटर करते हुए आ जाएंगे यहां पर, और यहां पर एंटर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, सेल्स अकाउंट, ठीक है। एंटर करेंगे और यहां एस प्रेस करेंगे तो ये आ गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये सेल्स अकाउंट हो गया, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे पल्स की बात करते हैं, तो टाटा संपन्न पल्स है, 10 किलो की बात करते हैं, और अगर 10 किलो का रेट, अब 130 रुपए का तो हमने खरीदा था, तो बेचेंगे तो ज्यादा का, तो 180 का भेज देते हैं, तो ये 180 का भेज दिया हमने, ठीक है। अब इस पे जीएसटी लगाएंगे तो सेम स्टेट का मामला है, तो सीजीएसटी देन एसजीएसटी, ठीक है। और यही अगर जो हमारी लोकल सप्लायर पार्टी है वो डिफरेंट स्टेट की होती तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के लिए आईजीएसटी लगाते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब मान लीजिए डिफरेंट स्टेट के लिए है तो अल्ट सी करके यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर टू करते हैं, कस्टमर टू, ठीक है। ये नाम है, इसके जगह नाम आएगा, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर कर देंगे, पार्टी तो सन्ड्री डेटर की होगी हमारी, एंटर करेंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। ये कहाँ की है, ये कहीं की हो सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उड़ीसा की पार्टी है, तो यहाँ पे आए, एंटर किया, एक्सेप्ट कराया, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और जब सेल्स अकाउंट आ जाएगा तो वही टाटा संपन्न वाला डाल लेते हैं हम, और यहाँ पे 50 किलो इसको सेल कर देते हैं 180 के भाव से। लेकिन यहाँ पर अब आप चाहेंगे कि सीजीएसटी आए तो नहीं आएगा, तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, आईजीएसटी लगाना है, और आईजीएसटी लगाइएगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बिल प्लेस क्या है, जहां बिल बन रहा है तो वो देवरिया है, ठीक है। और शिप टू कहां जाएगा, ये तो ये जाएगा कहां पर, सपोज कीजिए ये जाएगा उड़ीसा में, तो उड़ीसा कर देते हैं, ये उड़ीसा हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करके, और यहाँ द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये कर दिया हमने क्रेडिट पे, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि आप जो है किस प्रकार से बिल बनाना चाहते हैं। अगर आप सेम स्टेट का कस्टमर या सप्लायर पार्टी है तब तो वहां सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, और अगर डिफरेंट स्टेट हुआ तो वहां पर आईजीएसटी ही आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे पूरा काम आपका बन जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।